जो है इसका टोटल वेट सफाइट कलर के आया है तो लम्स भी आ जाए। नो फेक। दोस्तों यहाँ पर लैब रिपोर्ट में जो आया है आरसी किंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल थोड़ी है, सिर्फ पेज थोड़ी है, परिवार है हमारा। तो समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे लैब रिपोर्ट आरसी किंग मास्क। आपकी बहुत डिमांड आई थी कि आरसी किंग मास्क की लैब रिपोर्ट, तो आ गई वीडियो आपके पास लैब रिपोर्ट के साथ में। आज हम रिव्यू करेंगे आरसी किंग मास्क का, और यहां पर तराजू, कितने स्कूप इसमें निकलेंगे, तो मैंने वो भी रख लिया है, क्या हमारा टब, जी हाँ, जिसके अंदर हम इसकी स्कूप की काउंटिंग भी करेंगे कि इस कलर कितने स्कूप है कितने नहीं है। तो आज पूरा हो जाएगा हिसाब किताब किसके साथ, आरसी किंग मास्क के साथ। आरसी किंग मास्क क्या है, यह मास गेनर है बेसिकली, हाई प्रोटीन मास गेनर में एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। हाई प्रोटीन मास गेनर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इसके अंदर आपको जो ना एक स्कूप में ही 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, एक स्कूप में 15 ग्राम, जो कि मतलब अदर अगर मास गेनर से इसको कंपेयर करें तो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी है 15 ग्राम की एक स्कूप के अंदर। और बाकी सच में है 15 ग्राम नहीं है, ये रिलैब रिपोर्ट ये बताएगी हमें है या नहीं है। तो दोस्तों जिसको गेनिंग करनी है, गेनिंग में भी स्पेशली वजन तो बढ़े पर मसल साइज भी आना चाहिए, तो आप जो है आरसी किंग मास्क ले सकते हैं। यूएसए मैन्युफैक्चरिंग है और ओरिजिनल वाला है ये। कहाँ मिलेगा, सप्लीमेंट्स विला पर। तो यहाँ इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कंपनी कह रही है, उसी के हिसाब से फिर हम तोल मोलेंगे। तो यहाँ पर जो है कंपनी कह रही है जी, इसमें आपको 2 स्कूप की सर्विंग, 3 स्कूप की सर्विंग, 4 स्कूप की सर्विंग आप ये ले सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आपको ये एक ही स्कूप लेना है, क्योंकि मास गेनर कोई प्रोटीन नहीं है जिसको हम रेगुलर चलाएंगे। मास गेनर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लेना है, इसका मैक्सिमम फायदा होना चाहिए मिनिमम यूज करने पे। तो यहां पर 2 स्कूप की सर्विंग 125 ग्राम की होगी, जो कि उसमें कैलोरीज 510, टोटल फैट 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 92 ग्राम, डाइट्री फाइबर 2 ग्राम, टोटल शुगर मिलेगी 11 ग्राम, प्रोटीन 30 ग्राम, 125 ग्राम में 30 ग्राम है ध्यान रखेंगे, और 2 स्कूप की सर्विंग है। इसके अलावा यहाँ कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम भी आपको मिलने वाला है। प्रोटीन इसमें ब्लेंड फॉर्म है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, कैसीन प्रोटीन, ये आपको जो मिलेगा। क्रेडिन भी इसके अंदर मिलेगा, पर मेंशन नहीं किया कि कितना क्रेडिन है। आरसी प्रो एनटीएम में तो मेंशन कर दिया, पर इसमें नहीं किया, पता नहीं क्यों, करना चाहिए वैसे। तो ये हो गया है आपका आरसी किंग मास। इसका जो नेट वेट है वो है आपका कितना है जी, 6 LBS, मतलब 2 किलो 750 ग्राम, 3.25 किलो का है ये। तो चलो एक बार देख भी लेते हैं, आप अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि ये 3.25 किलो, मतलब ये 6 LBS जो है डिब्बे के साथ है, डिब्बा हटा के है, तो मैं बताना चाहूंगा डिब्बा हटा के होता है, इसके अंदर जो पाउडर है उसका वेट है वो 3.25 किलो। तो यहां मैं तराजू कर लेता हूं ऑन, तो ये तराजू मैंने ऑन कर लिया है, और यहां पर देखो मैं इसको तोल के दिखा देता हूं आपको। तो इसका जो टोटल वेट आ रहा है जी डिब्बे के साथ, ये टिक जा भाई, टिक गया, ऑलमोस्ट जो है इसका टोटल वेट आ रहा है 3 किलो। तो और क्या कह रही है कंपनी, इसके अंदर जो एक्चुअल वेट है पाउडर का वो है 6 LBS, 2 किलो 750 ग्राम, और डिब्बे के साथ है 3 किलो, तो डिब्बे का वेट इसमें इंक्लूड नहीं होता, जो लिखा रहता है वो पाउडर का वेट होता है, डिब्बे का वेट अलग है। तो चलिए अब जो है हम इसकी ओपनिंग करते हैं, फिर उसके बाद मिक्सिबिलिटी, और एंड में लैब रिपोर्ट क्या कह रही है वो भी हम जान लेंगे। आरसी किंग मास्क पास है फेल है क्या है क्या नहीं, तो वो भी हम जान लेंगे। तो चलिए मैं पहले इसकी ओपनिंग कर देता हूँ। जीएमसी इसके ऑफिशियल इंपोर्टर हैं, सप्लीमेंट्स वाला जीएमसी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये तो पता ही है आपको। तो ये रहे जीएमसी की जो है इस पर टैग है, और जीएमसी का भी इस पर पुराना वाला टैग चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने अपडेट भी कर दिया था कि नया टैग आ चुका है जीएमसी वाला को, जो कि अभी प्रोस्टार वगैरह एक आध जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उस पर आ रहा है, तो मे भी शायद धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर स्क्रैच कोड वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो जब कर ही रहे हैं तो ये काम भी करेंगे। तो चलो मैं इसको स्क्रैच भी कर देता हूँ, अभी सही मैं काम चलाऊंगा, चाबी मुझे मिल चुकी है और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको स्क्रैच। तो स्क्रैच आप बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसको टाइट कर देते हैं ना वो नंबर मिट जाते हैं यार, तो बस ध्यान रखेंगे आप कि नंबर नहीं मिटने चाहिए। तो मैंने स्क्रैच कर लिया है, और उसको वेरीफाई करेंगे हम पुराने तरीके से, इनके नंबर पे जाके, वो सबसे ईजी है, वैसे वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं पर नंबर वाला सबसे ईजी है। तो ये जो है हमको कोड जो है एसएमएस करना होता है, ये रहा, और हमारा कोड है जी 1971149666000, मैंने डाल दिया है, तब तक क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक आएगा तब तक हम आगे कार्रवाई कर लेते हैं अपनी। इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। तो ये है आरसी किंग मास्क ओरिजिनल वाला, जो कि मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर। तो ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ से, ओपन करने के बाद इसके अंदर कैसी सील निकलेगी दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो इसके अंदर निकलेगी ये वाइट कलर की सील है, ये देख रहे हैं ये वाली निकलेगी, और इसके ऊपर कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है ध्यान रखेंगे आप। तो ये यहाँ से मैंने ओपन कर लिया, और फ्लेवर है जी ये चॉकलेट। तो अभी मिक्सिबिलिटी भी दिखाऊंगा,
फ्लेवर चॉकलेट है, कंपनी कितने स्कूप कह रही है जी, इसके अंदर टोटल स्कूप हैं वो है 44, तो 44 इसके अंदर स्कूप निकलने वाले हैं, वो भी मैं देखूंगा। और एक स्कूप का जो होगा इसमें वेट वो होगा, मतलब दो का है 125 तो एक का होगा 62.5 ग्राम, वो होना चाहिए, वो भी मैं अभी नापूंगा। तो इसका स्कूप देख लेते हैं कहाँ है यार स्कूप। चलो लकीली ऊपर ही मिल गया, वरना पूरे हाथ हो जाते हैं, और सर्दी का मौसम वैसे यार आपको पता ही है पानी कितना ठंडा है, हाथ धोने पड़ेंगे ना। ये मैंने जो है निकाल लिया इसका स्कूप, और 62.5 ग्राम का इसका स्कूप होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो लेवल स्कूप मैंने ले लिया है, बिल्कुल लेवल स्कूप। तो देखता हूँ कितने ग्राम में इसमें जो है निकलेगा, 62.5 ग्राम होना चाहिए। स्कूप की एक्यूरेसी है या नहीं है वो मैं देखूँगा। तो यहाँ ये मैं डाल देता हूँ इसमें ये, तो बिल्कुल 263 ग्राम इसमें आया है, तो ठीक है स्कूप की एक्यूरेसी अच्छी है। तो 63 ग्राम आया है, मतलब 0.5 का डिफरेंस है बस, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता भी है। टोटल स्कूप कितनी है वो भी हम नाप लेते हैं, देन फिर इसकी मिक्सिबिलिटी करके दिखाऊंगा, या पहले मिक्स कर लेता हूँ है ना, पहले मिक्स कर लेता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। तो मिक्स इसको मैं पानी में ही करूँगा, वैसे आपको ये दूध में लेना है ध्यान रखेंगे, क्योंकि मास गेनर है, ऐसा तो है नहीं कि भाई रिकवरी फास्ट देगा जल्दी पच जाएगा, तो ये आपको लेना है दूध में, मैं मिक्स करके दिखाऊंगा आपको पानी में। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम, और डायरेक्ट मिक्स करूँगा इसे, वैसे मास गेनर है कि मिक्सिबिलिटी हार्ड रहती है कंपेयर टू प्रोटीन, शेकर में करता बहुत ईजिली हो जाता है ये, और आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसका टेस्ट कैसा है, मिक्सिबिलिटी इसकी हार्ड रहने वाली। ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो इस तरीके के से लम्स भी आ जाते हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप। तो ये आपको अच्छे से मिक्स करना है, वैसे अगर आप इसे बनाना शेक वगैरह में लेंगे ना, मिक्सर वगैरह में करेंगे तो बहुत प्यार से हो जाएगा, ये लम्स आएंगे नहीं, पर मांस गिरा रहे तो थोड़े बहुत आते ही हैं ये। ये देखिए इस तरीके के लम्स रहेंगे इसमें, तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसकी मिक्सिबिलिटी में, आपको ऑलमोस्ट मतलब 80% मिक्स हो गया है, बाकी ये मिक्स होगा अच्छे से शेकर में, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। मैं इसको थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया है इसलिए मतलब मिठास थोड़ी हल्की हो गई है, वरना मैं अगर इसको 200-250 ml पानी में लेता तो मिठास मुझे काफ़ी अच्छी रहती, मतलब टेस्ट अच्छा है, चॉकलेट की अच्छी फ्लेवरिंग है, मिठास कंपेयर टू अदर मास गेनर थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये दूध में लेना है ध्यान रखेंगे, तो दूध में ये और टेस्टी लगेगा आपको। तो एक स्कूप हमने यहाँ मिक्स कर ली है, अगर मैं पर्सनल मार्किंग करूँ इसके टेस्ट की तो मैं दूंगा भाई 70 out of 100, मुझे थोड़े से मीठे फ्लेवर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपको ना लगे, हर किसी की अपनी पसंद है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरी पर्सनल मार्किंग है और कुछ नहीं है, टेस्ट वैसे अच्छा है, चॉकलेट की फ्लेवरिंग अच्छी है जो कि होनी चाहिए। पूरा मैं इसे नहीं पीऊँगा, क्यों नहीं पीऊँगा भाई, मैं वेट लॉस पे हूँ और ये गेनर है, ये एक में पता है कितनी कैलरीज है, 510, तो एक स्कूप के अंदर इसके जो कैलरीज हैं 250 कैलरीज, मैं नहीं पीऊँगा पूरा इसे। पर हाँ, आपको गेनिंग करनी है ना, आप पूरा पीना और दूध में पीना, साथ में एक आध बनाना भी ऐड करना ताकि अच्छे से गेनिंग हो सके। और कैसे यूज़ करना है मास गेनर, सभी मास गेनर ऐसे यूज़ करने होते हैं, साइड में वीडियो चल रही है पावर मास गेनर की, आप देखो किस तरीके से आपको मास गेनर यूज़ करना है, सेम तरीके से यूज़ करना है, हर मास गेनर ऐसे यूज़ करना है। तो इसके अंदर एक स्कूप हमने निकाल लिया, तो अब इसके अंदर 43 स्कूप रहनी चाहिए, देन उसके बाद हम लैब टेस्ट रिपोर्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 43 स्कूप, मैं अब निकाल लेता हूँ अपना टब, ये रहा मेरा टब, इसमें हम देखेंगे कि कितने इसके अंदर स्कूप है, स्कूप की एक्यूरेसी ठीक है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा था, 43 स्कूप इसके अंदर अब होनी ही चाहिए, एक स्कूप हमने यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ हम देखेंगे, तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल लेवल स्कूप ले रहा हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, पाउडर देख रहे हैं मास गेनर, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बारीक सा है ये, 27, 28, 39, 40, 41, 42 और 200 पूरा ही है इसके अंदर, एक्यूरेट है बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत फालतू ही है, कम नहीं है, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो बिल्कुल 43 इसके अंदर स्कूप है जी पूरी। तो ये ओरिजिनल वाला आरसी किंग मास है जो कि सप्लीमेंट सुला पर आपको मिलेगा, थोड़ा सा बारीक है ये, ध्यान रखेंगे सूजी टाइप नहीं है ये, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल
लाइक बहुत बारीक, जैसे बारीक पिसा हुआ आटा इस तरीके का है, बिल्कुल बारीक। तो ये इसकी पहचान भी है। तो पूरी स्कूप भी एक्यूरेट है, टेस्ट भी ठीक है, मिक्सिबिलिटी थोड़ी हार्ड है, मास गिना इसलिए हार्ड है। और बाकी क्यों, हाँ वो जो हमने कोड किया था वो भी मैं देख लेता हूँ, आया नहीं आया मेरे पास। तो ये मेरे पास मैसेज आ चुका है और आ गया जेन्युइन, ये रहा जेन्युइन, ए वैलिड कोड ऑफ GEMC वेरीफाइड बाय नोफिक्स। तो ये पूरा आ चुका है मेरे पास। तो सारी चीजें हो गई हैं। एट द एंड क्या बचा हुआ है, लैब रिपोर्ट वीडियो। अब लैब रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर लैब रिपोर्ट में जो आया है RC किंग मास, मैं बताना चाहूंगा आपको क्या आया इसके अंदर। तो कंपनी हमसे कह रही है जी इसके एक स्कूप में 15 ग्राम प्रोटीन, और जो है लैब रिपोर्ट में जो आया है वो आया है आपका 23.68% इसमें प्रोटीन आया है लैब रिपोर्ट के हिसाब से। तो 23.68 मतलब 62.5 का हम 23.68 अगर निकालेंगे, क्योंकि एक स्कूप 62.5 ग्राम का है जो हमने नापी थी, तो उस हिसाब से ये आएगा 14.8 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर। तो प्रोटीन की एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, एक आध दो पॉइंट ऊपर नीचे चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर एक्यूरेट आया है बिल्कुल। तो प्रोटीन के मामले में RC किंग मास लैब रिपोर्ट में पास है। ये ओरिजिनल वाला है, पर कॉपी इसकी सबसे ज्यादा है मार्केट में, बचना है जरा आपको, ओरिजिनल लेना है सप्लीमेंट सलाह से। और यहां पर कार्ब्स भी अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर आए हैं लैब रिपोर्ट के हिसाब से वो आए हैं 73.92%। कंपनी कह रही है जी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं 92 ग्राम, दो स्कूप में 92 ग्राम है, तो एक स्कूप में 46 ग्राम होने चाहिए एक स्कूप में। तो 62.5 का 73.92% करेंगे तो वो आएगा 46.2 ग्राम कार्ब। तो कार्ब थोड़े से एक्स्ट्रा ही आए, मतलब ठीक है, बढ़िया है। तो लैब रिपोर्ट में आरसी किंग मास ओरिजिनल वाला पास है। तो ये इसकी लैब रिपोर्ट बिल्कुल पास है। बाकी मिक्सिबिलिटी थोड़ी हार्ड रहने वाली है, बिल्कुल हमने कोई इसमें कमी नहीं देखी है, एक्यूरेसी है हर चीज की, बस जो है 0.5 चलो वो चलता ही यार, हो सकता है मेरे नापने में थोड़ा एक आध ग्राम ऊपर नीचे हो भी जाता है। तो यहां पर जो है मिक्सिबिलिटी थोड़ी हार्ड रहने वाली है। तो शेकर में मिक्स करेंगे, मिक्सर में मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं अभी भी थोड़े थोड़े से ये लम्स हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से करेंगे आप इसे, और इसे यूज करो, ओरिजिनल वाला है ये आरसी किंग मास। छोटी पैकिंग भी अवेलेबल है सप्लीमेंट सलाह पर, बड़ी भी। अगर मैं इसके MRP की बात करूं तो MRP इसका दिया हुआ है जी आपका कितना है जी, 6499 रुपए, बट सप्लीमेंट सलाह पर सेलिंग प्राइस है 4500 रुपए। ओरिजिनल वाला मास 100% ओरिजिनल विद GST बिल, करंट प्रोडक्ट फ्रेश और विदाउट एनी शिपिंग चार्ज आपके घर तक। और इसकी जो 15 LBS की पैकिंग है वो भी अवेलेबल है, उसका प्राइस है 7800 रुपए। तो दोनों पैकिंग अवेलेबल है, जो आपका जैसा बजट है उस हिसाब से लीजिए। हाई प्रोटीन मास गेनर्स में आरसी किंग मास आपके पास अवेलेबल है, ओरिजिनल वाला सप्लीमेंट्स विला पर। तो इसे ऑर्डर करें आप। ऑर्डर करने के क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करेंगे तो बढ़िया आपको रिप्लाई मिलेगा, जल्दी मिलेगा, क्योंकि कॉलिंग बहुत सारी आती है तो वेटिंग में जाएगी कॉल, इसलिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं, पर व्हाट्सएप बेटर ऑप्शन है। या दूसरा तरीका है आप supplementsvilla.com विजिट करो, वहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको जो है कैश ऑन डिलीवरी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। और आप ऑफलाइन आउटलेट जहां जहां हमारे ऑफलाइन आउटलेट्स हैं वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। सारे आउटलेट्स आपके अपने हैं, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। कहां कहां विजिट कर सकते हैं आप, दिल्ली कालका जी जा सकते हैं, पलवल हरियाणा आ सकते हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश जा सकते हैं आप, मेरठ उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, जयपुर राजस्थान जा सकते हैं, गुरुग्राम हरियाणा जा सकते हैं। और अगला आउटलेट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ओपन होगा, 8 जनवरी की ओपनिंग है, ओपनिंग में जरूर आना है आपको, उसके बाद पंजाब की तरफ चलेंगे। जितने भी आउटलेट्स हैं आपके अपने हैं, बार बार बता रहा हूं, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है, इसलिए गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। जाइए जहां पर आपके अपने आउटलेट्स हैं, ऑफलाइन नजदीक है, या फिर कोरियर सर्विस तो है ही। और हां दिल्ली NCR और जयपुर में सेम डे डिलीवरी है, सुबह 10 बजे ऑर्डर करो, 12 बजे ऑर्डर आपके घर। तो आरसी किंग मास ओरिजिनल वाला मिलेगा सप्लीमेंट सलाह पर। इसके बारे में कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली बार मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो। और हां गाजियाबाद कमर कस लो, आना है गाजियाबाद जरूर आपको, आपका अपना आउटलेट ओपन होने जा रहा है गाजियाबाद। तो दोस्तों गाजियाबाद की लोकेशन है G1 लाजपत नगर शाहिबाबाद गाजियाबाद सेक्टर 4 श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन से बस 100 मीटर आगे है। तो 8 जनवरी को मिल रहा हूं मैं आपको गाजियाबाद, आना जरूर है। और वीडियो लाइक जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हो ना फॉलो कर लो। नमस्कार।